आगे और अब बात चुनावी प्रचार की। आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी प्रचार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी की 9 और उत्तराखंड की 1 सीट पर उपचुनाव है। 20 नवंबर को वोटिंग होगी। प्रचार के आखिरी दिन दिग्गज जो है अपनी ताकत झोंकते नजर आएंगे। तो सीएम योगी एक बार फिर झारखंड में हुंकार भरते नजर आएंगे। तो बता दें कि उपचुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प होते हुए तो 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड की 1 सीट यानी केदारनाथ सीट पर जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है। और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी दिग्गज जो है जनता के बीच पहुंचेंगे और अपने अपने तरीके से अपने प्रत्याशी के हित में वोट की अपील जनता से दिग्गज करते नजर आएंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो झारखंड में ताबड़तोड़ उनकी रैलियां हैं। तो वहीं आपको बता दें कि तमाम दिग्गज, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, वो जनता के बीच जाकर अपने अपने तरीके से साधने की कोशिश कर रहे हैं और जीत का दावा भी यहां पर किया जा रहा है। तो आज शाम 5 बजे इसी के साथ चुनावी प्रचार थम जाएगा। 20 तारीख को यहां पर मतगणना होगी और उसके बाद ईवीएम में भविष्य कैद हो जाएगा। तो यूपी की 9, उत्तराखंड की 1 सीट पर उपचुनाव है। तो प्रचार के आखिरी दिन भी दिग्गज जो है अपनी ताकत झोंकते नजर आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड में हुंकार भरेंगे। तो देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो तेज है। अपनी अपनी जीत का दावा यहां पर किया जा रहा है। लेकिन तमाम सीटों की अगर बात करें तो इसमें मुकाबला बेहद दिलचस्प है। जहां बीजेपी की यह कवायद है कि वो 9 की 9 सीट अपने खाते में करे, तो वही समाजवादी पार्टी भी लोकसभा चुनाव के नतीजों की तरह उपचुनाव में भी यही नतीजे लाने की कवायद में जुटी है। और यही वजह है कि चाहे अखिलेश यादव हो, तमाम दिग्गज हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जिन्होंने एक एक सीट पर 3-3, 4-4 बार प्रचार प्रसार किए हैं। संवाददाता श्याम हमारे साथ कानपुर से लाइव जुड़ गए हैं। श्याम, आपका रुख करना चाहेंगे, उपचुनाव की तारीख नजदीक है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, वहां की अगर तस्वीर की बात करें तो आज क्या कुछ यहां पर रहने वाला है, दिग्गज किस तरह से जनता को साधते नजर आएंगे? देखिए, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही है। खासकर सपा और भाजपा चुनाव के लिए पूरा प्रयास कर रही हैं और पूरी ताकत झोंक रही हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से देखने को मिला, बीजेपी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की पूरी कमान संभाली और कानपुर की सीसामऊ सीट पर 3 बार वो प्रचार करने के लिए आए। 2 बार उन्होंने जनसभा को संबोधित किया तो 1 बार यहाँ पर उन्होंने रोड शो भी निकाला। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के भी दिग्गज नेता लगातार प्रचार करने के लिए पहुँच रहे हैं और क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन है, ऐसे में दोनों ही पार्टियाँ पूरी ताकत झोंकना चाहती हैं। लगातार देर रात तक प्रचार चलता रहा। वहीं आज की अगर बात की जाए तो आज बीजेपी की तरफ से सांसद रवि किशन रोड शो करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ डिंपल यादव सपा की तरफ से कमान संभालेंगी और रोड शो करेंगी। लगातार सीसामऊ विधानसभा सीट पर प्रचार का सिलसिला जारी है और दोनों ही दल ताकत लगा रहे हैं। दरअसल इस सीट पर समाजवादी पार्टी का पिछले 3 बार से कब्जा रहा है। यहाँ पर इरफान सोलंकी 3 बार लगातार इस सीट पर जीते हैं और उनको सजा होने के बाद ये सीट खाली हुई है। उसके बाद से लगातार बीजेपी यहाँ पर संघर्ष कर रही है, लगातार यहाँ पर ना केवल प्रचार की कमान संभाल रही बल्कि डोर टू डोर जा करके लोगों से बात कर रही है, उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है कि उनके क्षेत्र का जो विधायक था वो एक आपराधिक मामले में जेल गया, उसके बाद ये सीट खाली हुई है। दूसरी तरफ क्योंकि इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में जो नारा सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था बटोगे कटोगे, उसकी प्रासंगिकता यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि जो हिंदू वोटर है उसे एकजुट करने के लिए बीजेपी लगातार काम कर रही है। बिल्कुल, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है शाम और उसके बावजूद भी ब्राह्मण चेहरे पर दाव बीजेपी की तरफ से चला गया है। आप ग्राउंड पर हैं, स्थिति को बेहतर तरीके से आप समझ भी रहे होंगे क्योंकि दूसरी तरफ अगर देखें तो नसीम सोलंकी से मुकाबला है, जो कि कई भाषणों के दौरान या कई मौकों के दौरान बाबू कपिल भी जनता से करती नजर आई हैं। तो आप ग्राउंड पर हैं, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं, किसका पलड़ा भारी पड़ते हुए और बीजेपी के इस दाव को किस तरह से देखा जाए? देखिए, मैं बता रहा था जिस तरीके से बीजेपी ने सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री
सुरेश खन्ना को यहां पर लगाया और पिछले 3 महीने से सुरेश खन्ना यहां पर प्रवास कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कवायद कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने का काम किया उन्होंने। इस दौरान उन्होंने दावा ये किया कि जब वो 3 महीने पहले यहां पर आए थे तब लोग उनसे कहते थे कि देखेंगे बीजेपी को वोट देना है या नहीं देना है। उनका कहना ये है कि अब वो जब लोगों के पास कह रहे हैं जा रहे हैं तो कह रहे हैं आप परेशान मत होइए, वोट बीजेपी को ही देंगे। वहीं दूसरी तरफ नसीम सोलंकी की अगर बात की जाए तो वो जहाँ पर भी जा रही हैं वो लोगों से भावुक अपील कर रही हैं। वो कह रही हैं कि उनको, उनके परिवार को, उनके पति को सरकार के द्वारा प्रताड़ित किया गया है, उनके पति को झूठे मुकदमे में फंसा करके जेल भेजा गया है, वो घर पर रहने वाली महिला है, मजबूरी में उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा है, कई बार उन्हें मंच से रोते हुए भी देखा गया है। तो एक तरफ ये अपील है, दूसरी तरफ बीजेपी लगातार जो उन्होंने काम किए हैं, जो लोक लुभावनी योजनाएं चलाई हैं उनका हवाला देकर के लोगों से जोड़ने की बात कर रही हुई। भाई आपको इस विधानसभा का अगर गणित बता दें कि 2,71,000 वोटर में 1,10,000 वोटर मुस्लिम है, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या 60,000 दलितों की है, तो दलित वोट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इसमें बिखराव होता है तो वो बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। यही वजह है कि तमाम दलित नेताओं को भी क्षेत्र में लगाया गया कि वो दलितों को बीजेपी के पक्ष में कर सके। जी बिल्कुल श्यामा, पर बने रही हमारे साथ प्रयागराज से मानवेंद्र, गाजियाबाद से हमारे साथ हिमांशु और मैनपुरी से अवनीश भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले मानवेंद्र आपका रुख कर लेते हैं क्योंकि प्रयागराज का जो मुकाबला है वो भी बेहद दिलचस्प है, लेकिन आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, वहां पर क्या सरगर्मियां दिखाई पड़ रही है? ये देखिए, चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है और यहाँ पर जो मुकाबला है बेहद कांटे की टक्कर है। बीजेपी से दीपक पटेल हैं, मुश्तबा सिद्दीकी सपा से हैं, जितेंद्र सिंह बसपा से हैं, तो मुकाबला बेहद दिलचस्प है। और ये सीट अगर पिछले विधानसभा की बात करें तो बीजेपी के पास थी, प्रवीण पटेल विधायक हुए, वो उसके बाद सांसद हो गए तो उन्होंने सीट छोड़ दी है। और इस सीट की बात करें तो जो जातीय समीकरण है वो पटेल वोटर्स सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद यादव मुस्लिम हैं, और इस लिहाज से समाजवादी पार्टी ने मुश्तबा सिद्दीकी को दोबारा टिकट दिया है। जो दीपक पटेल हैं वो पूर्व सांसद केशरी देवी पटेल के बेटे हैं, पहले भी विधायक रह चुके हैं, तो उनको बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। और अगर फूलपुर की बात करें तो यहाँ पर जो जातीय समीकरण है वो OBC वोटर्स सबसे ज़्यादा हैं, इसके बाद दलित हैं, मुस्लिम हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो है 3 बार फूलपुर आ चुके हैं जब से चुनाव की घोषणा हुई है और जब से चुनाव का आगाज हुआ है, 3 दौरे उनके हो चुके हैं। अखिलेश यादव यहां पर आ चुके हैं, पूरा दम सबने लगाया है और बीजेपी के पास जीत का एक ही मंत्र है, वो है बटोगे तो कटोगे, यानी जब हिंदू वोटर्स एकजुट हो जाएंगे और उनका जो एक तरह से कह सकते हैं जो नॉन यादव OBC है वो बीजेपी का साथ देंगे, इसके अलावा नॉन दलित जो नॉन जाटव जो दलित हैं वो बीजेपी के साथ होंगे, तो बीजेपी को जीत मिलेगी। लेकिन अगर हम लोकसभा की बात करें तो इस विधानसभा से बीजेपी 18,000 वोटों से पिछड़ गई थी, ऐसे में रिकवर करना आसान नहीं होगा। हालांकि समीकरण तेजी से बदले हैं, बिल्कुल मानवेंद्र, युवा चेहरे का मुकाबला अनुभवी माहौल था वैसा अब माहौल दिखाई नहीं देता। बिल्कुल मानवेंद्र, युवा चेहरे का मुकाबला अनुभव से है तो ये मुकाबला कितना दिलचस्प होते हुए इसी के साथ। जी बिल्कुल, बेहद दिलचस्प है। मुश्तबा सिद्दीकी की बात करें तो 3 बार के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से रह चुके हैं, हालांकि 2017 की बात करें तो उनको यहां पर 2022 में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब जो है उनका कहना है कि उन्होंने एक तरह से जो बदले हुए हालात हैं 2024 के बाद काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है। दूसरी तरफ जो दीपक पटेल हैं, दीपक पटेल इस विधानसभा क्षेत्र से नहीं आते, वो दूसरी विधानसभा से विधायक रहे थे, करछना से प्रयागराज की एक समय विधायक हुए थे, लेकिन उनकी माँ यहाँ से सांसद थी जिसमें फूलपुर विधानसभा भी आता था, तो युवा चेहरे हैं। दूसरी तरफ मुश्तबा सिद्दीकी काफ़ी पुराने और अनुभवी नेता हैं जी। और दोनों के बीच जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प है। मुश्तबा सिद्दीकी लगातार इस भरोसे से चुनाव लड़ रहे हैं कि जिस तरह का समीकरण 24 में था 18,000 से सपा आगे थी वही समीकरण बना रहेगा। दूसरी तरफ दीपक पटेल हैं, दीपक पटेल युवा चेहरा हैं, पटेल वोटर्स अगर एकजुट हो जाते हैं तो यहाँ पर बीजेपी जो है वो आगे दिखाई देती है और उनको पूरा भरोसा है बीजेपी पर, बीजेपी के नेतृत्व पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर,
और जिस ठीक है मानवेंद्र मैं आपका रुख करूंगी, गाजियाबाद से हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। गाजियाबाद की बात करें तो क्योंकि सर्दी ने दस्तक दे दी है तो ठंड जरूर बढ़ती नजर आ रही, लेकिन उसी के साथ गर्माहट भी तेज है उपचुनाव को लेकर। इस सीट की अगर बात करें तो आज यहाँ पर क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल सकती है चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, लेकिन साथ ही साथ इस जो मुकाबला इस सीट पर देखा जा रहा है वो पॉलिटिकल इतिहास में कहीं ना कहीं डेब्यू में जीत की तलाश में जुटे हैं दोनों प्रत्याशी। बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर्दी बढ़ रही है, लेकिन चुनावी गर्मी के आगे सर्दी कम नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि आज ताबड़तोड़ पूरे जिले के अंदर या शहर विधानसभा की हम बात करें जहां पर ये उपचुनाव हो रहा है, वहां पर रैलियों का दौर लगातार जारी रहेगा। तमाम जो पार्टी हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर बीएसपी या फिर समाजवादी पार्टी, तीनों ही पार्टी के कैंडिडेट यहां पर रैली अपनी निकालेंगे। लगातार रैलियों का दौर जारी भी रहा है। जनता के दिन आज दोबारा से पहुंचेंगे और उनसे एक बार फिर अपील की जाएगी कि उनको वोट दिया जाए। अगर हम बात करें कैंडिडेट की तो बीजेपी से संजीव शर्मा, जो कि अनुभवी कहा जा सकता है, राजनीति में काफ़ी अनुभवी है, दो बार महानगर अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के, और उसके बाद उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। जब ये सीट खाली हुई थी, अतुल गर्ग विधायक थे, वो बीजेपी से ही थे, वो उनको सांसद का चुनाव लड़ाया गया तो वो सांसद बन गए और उसके बाद ये सीट खाली हो गई और उसके बाद संजीव शर्मा को इस मैदान में उतारा गया है। वहीं अगर हम बात करें बीएसपी से तो बीएसपी ने पहली बार पीएन गर्ग पर अपना दाव खेला है, और पीएन गर्ग क्योंकि वैसे समाज अच्छी खासी तादाद में शहर विधान वहां पर अपना खेला है, लेकिन उनका अगर हम बात करें अनुभव राजनीति में तो इतना अनुभव उनके पास नहीं है। अवनीश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, अगर मैनपुरी की बात करें तो यहां पर सरगर्मियां किस तरह से बढ़ते हुए, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं लग रही रहा इस सीट पर। बिल्कुल सही, ना सही, आपको बता दूं आज लास्ट आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। लेकिन अगर चुनाव की बात करें तो मैनपुरी की जो करहल सीट है ये हमेशा हॉट सीट मानी जाती है, हॉट सीट रहती है क्योंकि यहाँ एक तरफ समाजवादी पार्टी का जो सैफई परिवार है वहां से चुनाव लड़ता है एक व्यक्ति, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अलग चेहरे को निकाल के आती है। हालांकि सीट जो है बड़ी दिलचस्प चुनाव होने वाला है, हॉट सीट इसलिए मानी जा रही है क्योंकि चुनाव जो है बड़ा बीच का पेचीला चुनाव देखता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सैफई परिवार के ही दामाद अखिलेश प्रताप यादव को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके भतीजे, हालांकि अखिलेश यादव के भतीजे हैं और इनके अंकित यादव के भतीजे उपा भतीजे की लड़ाई है, तेज प्रताप यादव वो चुनाव मैदान में है। हालांकि दोनों प्रत्याशी अपने दाव के लिए पूरी दमखम के साथ चुनाव प्रचार में उतरे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आके इसी करहल विधानसभा में जनसभा की थी और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा था। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आके जनसभा की थी और बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आए थे, क्योंकि इन दोनों पार्टियों में एक ही नारा चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा है कटोगे तो बटोगे, उसको लेकर वोट मांग रही है, तो वहीं अखिलेश यादव का नारा है जुड़ोगे तो जीतोगे। तो ये दोनों जो पार्टियां हैं इनका केवल पोस्टरबाजी का और नारेबाजी का खेल लगातार जारी है। वहीं बसपा की अगर बात करें तो बसपा से अवनीश कुमार शाह को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि वोटर्स की अगर बात करें तो नंबर एक पे यादव वोटर्स चरण में देखा जाता है, क्योंकि यादव वोटर जो है वो नंबर एक पे आता था। हालांकि यही वजह है समाजवादी पार्टी की जीत की, यादव वोटर जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को पूरा वोट जाता है और समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी जीत जाते हैं। हालांकि दूसरे नंबर की बात करें तो साख वोटर जो है दूसरे नंबर पे आता है, तो बसपा की अगर बात करें तो मायावती ने कहीं ना कहीं साख वोटर देख के प्रत्याशी घोषित किया है, तो अपनी साख जो है वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कैदमारी कर सकते हैं। हालांकि टक्कर जो देखी जा रही है वो केवल सपा और भाजपा ही टक्कर देखी जा रही है, ये तो जब 20 तारीख को मतदान होगा और 23 तारीख को जब गणना होगी तो ये देखने की ठीक है। इस सरगर्मियों को लेकर नजर बनाए रखिएगा आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया ग्राउंड से ये तस्वीर दिखाने के लिए। तो देखिए उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है उसको लेकर चुनौतियां भी और साथ ही सरगर्मियां तेज होते नजर आ रही है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस